हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली। मैं अनूप वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मैथ्स के क्लास में। देखिए, इससे पहले जय महाकाल बोल दीजिए एक बार, प्यार से मजा आ जाएगा। देखिए, आज मैं कुछ आपको हटके पढ़ाने वाला हूं। हटके का मतलब हो गया कि आप तो मेरा नेचर जानते हैं क्या, कि मेरा एक नेचर है, मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी समस्या को जब लेके चलता हूँ तो उसे पूरा सॉल्व करता हूँ, शुरू से जड़ से लेके चलूँगा, बिल्कुल जड़ से। तो आपको मैं जड़ से लेके चलूँगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। जैसे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर आपका शायद 4 दे रखा होगा, द्विघात समीकरण। कोई सा भी हो इससे मतलब नहीं है, द्विघात समीकरण आपका चैप्टर है, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्रमागत संख्याएं, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, या ऐसे दे रखा होगा 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, या 2 विषम पूर्णांक धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो देखिए, क्यों ना मैं इन सभी को आज क्लियर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक है, फिर जैसे मान ली पहला 4.1 में है, फिर 4.2 में है, इस तरीके से अजीबो बहुत ही क्वेश्चन दे रखे हैं, अजीबो गरीब क्वेश्चन है, तो आप उसमें भटक जाते होंगे, क्योंकि आपके जो हल होते हैं, आप जो इसे गाइड से या पढ़े हों, किसी ने कराए हों आपके लिए, वो ऐसे होते हैं जैसे 2x + 1 मान लिया कहीं पे, ठीक है, और कहीं पे मान लिया कि इसी संख्या को दूसरे मानना हो तो 2x + 2 मान लिया, इस तरीके से मान लेते हैं। लेकिन मैं इसके बिल्कुल बिल्कुल ही कभी अलग ढंग से कराऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मेरे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए क्या भैया, मैं आपसे एक बार विनती कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर ठोंक दो, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको दांसू ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल क्रम से पढ़ाने आया हूँ। देखिए, सबसे पहला आपका पॉइंट है, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, जैसे कहीं पर आपको लिखना हो कि क्रमागत धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कह सकता है क्रमागत संख्याएं लिखिए। अगर क्रमागत संख्याएं आपकी लिखने को आ जाएं तो आप कैसे लिखेंगे, उसे कैसे करेंगे, मैं एक चीज़ को क्लियर करूंगा, हेडिंग भी क्लियर कर दूंगा। तो आप पहले ये समझिए लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका वैसे ये नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपने पहला एक्स लिखा, क्या लिखा, एक्स, कोई भी मान लीजिए पहले बाई लिखा, फिर आप बताइए गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होती रहती हैं। तो पहला x हो गया, दूसरे में x, यानी जो भी दे रखा हो पहला, उसमें 1 जोड़ दो, उसके बाद 2 जोड़ दो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से अनंत हो जाएंगी बहुत सारे, एंड सो ऑन, यानी इसी प्रकार और आगे। तो सबसे पहले अगर आपको लिखना आ जाए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या क्रमागत संख्याएँ, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x माना, फिर x+1, दूसरी x+1 हो गई, तीसरी x+3, देखिए x+1, x+2, x+3, सर x में ही क्यों माना, क्या और मान सकते हैं, पहले y मान लो, क्या मान लिया y, फिर दूसरी क्या होगी, y जो है उसमें 1 जोड़ दो, फिर तीसरी क्या होगी, 1 तो जोड़ दिया, अब क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दो, इस तरीके से आप करते रहेंगे, ठीक है। देखिए, आपकी बुक में ऐसे नहीं दे रखा है, बुक में पहला उन्होंने 2x मान लिया होगा, अब 2x क्यों माना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये हो गया 1, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्रमागत है या नहीं। देखिए, हमने x = 1 माना, देखिए तो यहाँ x की वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 और 1 2, यहाँ 1 लगाएंगे तो भैया 1 और 2 3, यहाँ 1 लगाएंगे तो 4, यहाँ 1 लगाएंगे तो 5, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चल रही है, ये आपकी दोबारा से लौट के गिनती ही आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे, ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, हेडिंग का मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्यों है, देखिए क्रमागत है, ये क्रम से चल रही है, क्रम का मतलब इनका क्रम ना बदले, जैसे 5, 4, 6, 10 इस तरह से ना हो। तो देखिए, ये पूरी हैं, और देखिए धनात्मक सभी क्या हैं, ये धनात्मक हैं, यानी धनात्मक मतलब होता है प्लस की होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि क्रमागत संख्या जब भी लिखने को आएंगे तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सम संख्याएँ क्या होती हैं, मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ सम संख्याएँ क्या होती हैं, मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे लिखेंगे क्रमागत धनात्मक सम संख्याएँ, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरा तरीका, क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो आप कैसे लिखेंगे, क्रमागत
धनात्मक क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, सम संख्याएं, या ऐसे भी कह सकता है क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक। तो आप कैसे लिखेंगे, मैं उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। देखिए, पहला मान लीजिए आपने लिख लिया x प्लस वन। सर x प्लस वन क्यों लिखा, x प्लस वन ही क्यों लिखा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा x इक्वल टू वन, मैंने कहा जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ वन होता है, तो वहाँ वन मान लीजिए। देखिए, तो वन x की जगह वन लगाएंगे, तो देखो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ कैसे सम होंगी, तो कैसे होंगी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल तरीका बताऊँगा, बिल्कुल तरीका बताने आया हूँ, तभी मज़ा आएगा। देखिए, यहाँ x की वैल्यू वन लगाएंगे तो ये वन और वन हो गया टू। यहाँ जैसे यहाँ वन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए दो तीन, और यहाँ एक लगाएंगे तो ये हो गया चार। यहाँ पाँच एक लगाएंगे तो ये हो गया छः, दो चार छः, ये सब कैसी आ रही हैं, सम आ रही हैं। वरना एक तरीका और है, क्या तरीका है वो मैं से थोड़ी देर रुक के बताऊँगा, जब सम और विषम दोनों हो जाएंगे तब। देखिए, वैसे ये होता है कि एक्स में अगर विषम संख्याएँ जोड़ देंगे तो सम बन जाएंगी, और यदि विषम को जोड़ देंगे तो वो सम बन जाएंगे, और सम को जोड़ देंगे तो विषम बन जाएंगे। देखिए, तो सम लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए एक, इसे एक्स को एक मानेंगे, एक और एक दो, एक और तीन चार, एक और पाँच छः। अगर धोखे से ही मान लीजिए हमने यहाँ पर दो लिख दिया तो क्या हो जाएगा, दो से आफत क्या है। देखिए, दो और एक कितना हो गया, तीन हो गए ना, जबकि तीन सम नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीन लिखेंगे। तो पहली सम क्रमागत संख्या क्या होगी, x प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव एंड सो ऑन, आगे बहुत सी हो जाएंगी। दूसरा देखिए, अभी मैं इसे एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए, दूसरे अगर हम पूछें कि क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, देखिए मैं वैसे नहीं करा रहा हूँ कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे दो चार छः, इस तरीके से मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला एक्स, एक्स का मतलब हमेशा मैंने कहा एक मानेंगे आप, क्या एक, क्योंकि मैं एक्स में ले रहा हूँ, वाई में नहीं ले रहा हूँ, तो एक। अब देखिए, एक्स एक हो गया, अब इसमें सम संख्या जोड़ दो, पहली सम क्या होती है दो, तो देखो दो और एक क्या हो गए तीन, दूसरी और सम जोड़ दो तो तीन तो होती नहीं, दो के बाद तीन आता है, तीन सम नहीं होती, क्या होती है चार, ठीक है। अब क्या देखेंगे आप, चार के बाद सम संख्या कौन सी आती है, पाँच तो होती नहीं, छः आती है। तो देखिए, इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों में आप अंतर समझ पाएंगे। देखिए, ये एक, एक विषम, दो और एक तीन, चार और एक पाँच, छः और एक सात, ये सभी कैसी आ गई, विषम संख्याएं आ गई। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या करा कि एक्स में जब विषम वाली संख्याएं जोड़ी, देखिए जैसे एक तीन पाँच, जब एक्स में हमने विषम वाली संख्याएं जोड़ी तो वो सम बन गई, और जब यहाँ पर हमने विषम में यानी विषम संख्याएं जोड़ी एक्स में तो वो सम बन गई। देखिए, अगर सम संख्याएं आपको लिखनी आ जाएँ तो आप ये लिखेंगे, विषम संख्याएं आ जाएँ तो आप ये लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तब आपका जो क्वेश्चन होगा वो बच नहीं पाएगा। जैसे इसे मैं एक क्वेश्चन के जरिए कराना चाहता हूँ, आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपका क्वेश्चन ही है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भैया 4.1 एक्सरसाइज में आप देखेंगे क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, शायद तीसरा क्वेश्चन होगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग। सबसे पहले आप मानेंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका आप मानेंगे, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मैंने कहा पूर्णांक या संख्याएं एक ही बात है, आप क्या मानेंगे, पहली देखिए क्या होगी x, दूसरी क्या होगी x प्लस वन। उसके आगे देखिए क्वेश्चन ने कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 306 दे रखा है, कितना दे रखा है 306। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो आपके पास कितने पूर्णांक हैं, देखिए एक और एक दो है, ये पूरा एक है और पूरा एक है, तो इनका गुणनफल आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है, यानी एक्स गुणा एक्स प्लस वन बराबर दे रखा है 306। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा हल करेंगे, x की घात एक और एक दो, यानी ये x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x बराबर 306, यहीं पर छोड़ देंगे, या x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, बराबर के कुछ नहीं यानी जीरो बचा, ये आप यहीं तक छोड़ेंगे। क्यों यहीं तक छोड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर आप छोड़ दीजिए। तो देखिए, द्विघात समीकरण आ गए, द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात जो चर की है वो
दो है। तो आपको समझ में आ गया क्या आ गया? सबसे पहले आप मानेंगे कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, पहली x, दूसरी x प्लस वन, फिर x प्लस टू, इस तरीके से आप मानते रहेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक मैं क्वेश्चन अपने पास से बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल चार है, दो क्रमागत, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसे रफ कर रहा हूँ मैं, देखिए इतना मैंने कर दिया। मैंने क्वेश्चन बोला, क्या बोला कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल चार है, चार है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना क्रमागत सम संख्याएं, और कितनी बल्कि दो, तो माना दो क्रमागत सम संख्याएं बराबर, सम संख्याएं क्या होंगी देखिए भैया, पहले जैसे x का मैंने मतलब कहा एक होता है, तो विषम में इसमें एक विषम संख्या जोड़ दो यानी वन, तो एक और एक दो, तो सबसे पहली होगी x प्लस वन, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस टू, नहीं हो सकती, क्या होगी थ्री, जब भी सम आए तो x में विषम वाली जोड़ दो, देखो तो तीन और एक चार, और ये क्या हो गई आपकी देखिए एक और एक दो, तो ये दो हो गई आपकी सम संख्याएं, ठीक है। अब इनका गुणनफल मैंने कहा कितना दे रखा है, चार दे रखा है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे आप क्या कि इन दोनों का गुणनफल यानी x प्लस वन और गुणा, हमारा यहाँ ऐसे गुणा लगा दो या ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दे रखा है चार। अब आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, देखिए x की गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये गुणा समझ में नहीं आती है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का बहुत अच्छा मेथड बताया हुआ है सर ने, वो आप देखेंगे जाके। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फोर, थोड़ा इसे और सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर देखिए ये सब प्लस के हैं, तो तीन और तीन, तीन और एक चार, भैया एक्स में एक्स वाला ही जुड़ेगा, वो मैं आपको नहीं समझ में आता है तो आप वो भी देख लीजिए, तो देखिए थ्री एक्स और एक फोर एक्स हो गए, देखिए ये तीन प्लस के हैं, इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो जीरो बचा, माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी घट जाता है, देखिए यहाँ पर वन बचे क्योंकि चार में से तीन माइनस करेंगे तो एक बचेगा, लेकिन साइन हमेशा उसका आता है जो बड़ा होता है, देखिए बड़ा क्या है यहाँ पर चार बड़े हैं ना, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का वन बचेगा, माइनस का, अब जैसे प्लस का बड़ा होता तो प्लस का बचता है, जो बड़ा होता है वही साइन आता है, उसी का चिन्ह आता है, तो देखिए ये भी हमारी ये क्या आ गई द्विघात समीकरण आ गई, तो आपको इससे ये क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हम करेंगे। देखिए आप नहीं माना तो आप एग्जाम्पल बुक के करिए, आप मनोहर की बुक से देखिए या एनसीईआरटी से देखिए, इस तरीके का मेथड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसे सिंपल बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि अगर आपको सम संख्याएं लेनी हो तो एक्स में विषम वाली जोड़ दो, और आपको विषम लेनी हो तो एक्स में सम वाली जोड़ दो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, मैं आपको अगले और पढ़ाऊंगा और क्रम से पढ़ाता हुआ आऊँगा, ठीक है, इसके आगे मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।